हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन मनपसंद डिजाइन सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स चंद्र मार्केट गांधी बालिका स्कूल के पास सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार मोदी सरकार का जिस तरह से लक्ष्य था कि 2023 में इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने लगेगी हर रूट पर, तो उसका काम तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। मैं इस वक्त जोधपुर दिल्ली रूट के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर में CRS जो है चेकिंग होने वाला है और यहाँ की जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो लाइन है कंप्लीट हो चुकी है। ये है रतनगढ़ से सुजानगढ़ के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का चेकिंग। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनकी ट्रेन अभी यहाँ पहुँचने वाली है और चेकिंग करेंगे, और आज इस चेकिंग के पश्चात फिटनेस के पश्चात ट्रायल जो है यहाँ पर हो जाएगा, और इसके साथ ही बिजली की ट्रेन जो है यहाँ सुजानगढ़ में आपको दौड़ती हुई जल्द ही नज़र आएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक रेल विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इस जोधपुर डिवीज़न के रतनगढ़ से सुजानगढ़ रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। जल्द ही सुजानगढ़ रूट से जोधपुर दिल्ली के इस रतनगढ़ डेगाना खंड से इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ती हुई नज़र आएगी। और ये देखिए, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पोल और वायरिंग सभी कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। रेलवे अधिकारियों का दल विशेष निरीक्षण यान के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के PCEE इंजीनियर श्री राजेश मोहन, ADRM मनोज कुमार जैन, सीनियर DOM अजीत मीणा, सीनियर DSP सुनील जांगिड़ सहित बीकानेर एवं जोधपुर डिवीजन के रेल अधिकारियों का दल विशेष निरीक्षण यान के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच रहा है, जहां से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के इस कार्य का निरीक्षण किया जाना है। पिछले काफ़ी समय से NWR के इस खंड का रेल विद्युतीकरण का कार्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा चल रहा था। रतनगढ़ से सुजानगढ़ रेल विद्युतीकरण के ट्रैक की लंबाई RKM 46.27 किलोमीटर तथा TKM 52.13 किलोमीटर है, जहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिकारीगण सभी मौजूद हैं, आज इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ट्रायल किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहां पर पूर्ण हो चुका है। रेलवे के अधिकारी स्पेशल प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार में यहां सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर उमाराम चौधरी, PWI बत्तीलाल मीणा, RPF SI रविंद्र सिंह, SI भोम सिंह सहित रेलवे स्टाफ के लोग मौजूद हैं। निरीक्षण दल के द्वारा सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल विद्युतीकरण के संपूर्ण कार्य का, ट्रैक्स का, लाइंस का, सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। FOB से और स्टेशन पर घूमकर सभी इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। आज सुजानगढ़ में निरीक्षण के पश्चात तालछा पर पड़िहारा लोहा से रतनगढ़ तक इलेक्ट्रिक लाइनों के चेकिंग के पश्चात इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल भी किया जाना है। और अब सुजानगढ़ सहित रतनगढ़ तक के अन्य स्टेशनों सहित रेलवे ट्रैक निरीक्षण के पश्चात इलेक्ट्रिक इंजन रतनगढ़ से सुजानगढ़ पहुंच चुका है, जिस पर माला लगाकर श्रीफल मिठाई के साथ सफल ट्रायल का स्वागत किया जा रहा है। NWR के PCEE इंजीनियर श्री राजेश मोहन सहित रेलवे अधिकारी इस रतनगढ़ से सुजानगढ़ रेलवे खंड के रेल विद्युतीकरण का इलेक्ट्रिक इंजन का सफल ट्रायल का शुभारंभ कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जल्द ही इस क्षेत्र से इलेक्ट्रिक ट्रेनें गुजरेंगी। निश्चय ही इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी और प्रदूषण भी खत्म होगा और डीजल इंजन के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात सुजानगढ़ से डेगाना वाया लाडनू डीडवाना के विद्युतीकरण का कार्य भी जल्द पूर्ण होने वाला है। रतनगढ़ डेगाना रेलखंड से जल्द इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। आज पहली बार सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन पहुंच चुका है, जिसका ट्रायल चल रहा है। रेलवे के विकास के इस बढ़ते कदम से क्षेत्र में खुशी की लहर है। सुजानगढ़ और रतनगढ़ के बीच में रेल विद्युतीकरण का कार्य जो चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है, और जिसका निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सुबह किया गया, और निरीक्षण के पश्चात रतनगढ़ तक सभी जो लोहा, पड़िहारा, ताल छापर आदि सभी स्टेशनों का भी निरीक्षण किया गया, और उसके पश्चात ये इलेक्ट्रिक इंजन
रतनगढ़ से सुजानगढ़ यहाँ पहली बार पहुँच चुका है और इस तरह पहली बार सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन की सीटी यहाँ पर सुनाई दी और जल्द ही रेलवे के द्वारा इलेक्ट्रिक जो विद्युत जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर चलाई जानी है। और अब जो सुजानगढ़ और डेगाना के बीच में जो कार्य चल रहा है उसके होने के पश्चात उम्मीद की जा रही है कि 2023 के मध्य तक विद्युत ट्रेन जो है वो सुजानगढ़ इससे जोधपुर दिल्ली रूट से चलने लगेगी। एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सभी के लिए कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही इस क्षेत्र से जो है विद्युत ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से आप सभी का अभिनंदन।